हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। फिर से नए वीडियो के साथ, नए लोगों के साथ। तो चलते हैं हम अपने फिर से नए वीडियो में, नए लोगों के साथ। तो आज हम बनाएंगे हॉट कॉफ़ी लोगो। तो चलते हैं, सबसे पहले अपनी पिक्सल लैब में, जैसे हमेशा हम जाते हैं। और पिक्सल लैब में जाने के बाद एक हमें हाफ सर्कल लेता हूँ शेप शेप में, और इस तरह फिर आपको इस तरह बना देना है। तो देख रहे हो आप मैं किस तरह बना रहा हूँ। तो दोस्तों यार, आगे भी मेरे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना जैसे मैं बना रहा हूँ। सभी को, जितने भी आपके दोस्त हैं, तो सभी को, फ्रेंड को शेयर कर देना मेरा ये वीडियो, और सब्सक्राइब करना चैनल। तो चलते हैं हम आगे। तो ये हमने शेप इसका इसी का कॉपी किया था, और फिर से ऐसे बना दिया। और फिर से हम लाते हैं, हम एक ये बनाएंगे, हम एक शेप लेंगे, शेप की ओपेसिटी कम करके उसको स्ट्रोक दे देंगे। तो इस तरह हमने स्ट्रोक दे दिया है, तो इस तरह इसको रखना है। तो ध्यान से देखिए आप, बिल्कुल इसको अच्छी तरह सेट करना, आगे पीछे ना होना चाहिए। देखिए जिस तरह मैंने इसको सेट कर दिया है, हो गया हमारा बिल्कुल सेट। ओके ओके करने के बाद में हमारा ये बिल्कुल फिट हो गया। फिट होने के बाद में आप ध्यान से देखिए आप कैसे मैं इसको कर रहा हूँ। टाइम लगता है लेकिन बन जाता है, अच्छा बन जाएगा, मुझसे अच्छा बन जाएगा। तो ये बना दिया हमारा, ये हो गया एकदम ओके। ओके होने के बाद में अब हमारा दूसरा काम है, दूसरी तरफ चलेंगे हम अपना काम करने के लिए। इसी का एक फिर एक और ले लेंगे हम एक शेप, तो फिर इसको हम बिल्कुल सेंटर में रख देंगे। ये हो गया हमारा एक काम, बिल्कुल ओके हो गया, बन गया हमारा कप। कप बनने के बाद में फिर हम इसको एक लाएंगे एक हैंडल। हैंडल लगाने के लिए आपको पता है, देखिए इसी के हम ले लेंगे एक शेप, शेप में जाएंगे, क्योंकि शेप में जाना है हमें, तो शेप पे ही जाना पड़ेगा हमें। तो ध्यान से देखिए आप, ध्यान से देखने के बाद में आप शेप पे जाएंगे हम। शेप पे जाने के बाद में तो आप ध्यान से देखिए किस तरह हम इसको शेप दे देंगे। तो शेप देने के बाद में आप तो इस तरह का एक मिलाएंगे हम फिर से हाफ सर्कल। हाफ सर्कल इस तरह मैं बना लेता हूँ शेप, शेप के जिस तरह मैंने पहले वो बनाया। फिर इसके ऊपर एक इसी की कॉपी करके एक उसका वाइट कलर दे देंगे। वाइट कलर देने के बाद में इसको फिर तरह इस तरह आराम से सेट करेंगे हम। तो एक हैंडल बनाना है ना हमें, हैंडल बनाने के लिए तो आराम से देखिए, तो इसको हमने इस तरह बिल्कुल सेट कर लिया है। हो गया हमारा ये भी ओके। इसको बिल्कुल ऊपर सेंटर में रख के इसको बिल्कुल जाएंगे हम फिर लेयर पर, इसको मर्ज करके, लेयर पर मर्ज करके, और फिर इसको रेज कर देना है। तो ध्यान से देखिए, आराम से करिए आप, कोई जल्दी वाली बात नहीं। देखिए टाइम तो लग जाता है। तो ये देखिए हो गया हमारा ये ओके। ओके होने के बाद अब जो चलते हैं हम लेयर पे, लेयर पे जाके इनको अरेंज कर देंगे। हो गया हमारा हैंडल बन गया। अब इसको इस तरह करना है, ये देखिए ये इस तरह नहीं लगेगा, ठीक हो जाएगा। तो इसको हम जाएंगे हम, तो आप देखिए ध्यान से देखिए आप, ये देखिए इस तरह थोड़ा गड़बड़ी लग रहा है। तो हम जाएंगे, ये देखिए इस तरह हम इसको घुमाएंगे उल्टा सीधा, और इसको यहाँ पर हम भी इस तरह, जिस तरह कपड़ लगता है इस तरह हम इसकी शेप बनाएंगे। ये देखिए बन गया हमारा बिल्कुल ओके। तो ये ओके होने के बाद हम इसको यहाँ पर सेट कर देते हैं। हो गया हमारा ये सेट। सेट होने के बाद में हमारा बिल्कुल हैंडल लगता है कि यहाँ हमारा हैंडल लगा हुआ है। तो हमारे सबको हो गया बिल्कुल ओके। ओके होने के बाद में अब आगे का काम चलते हैं। आगे काम हमें क्या करना है, आगे काम जो हमें करना है, तो ध्यान से देखिए। तो पहले हम इसको एक सरफेस लाएंगे, सरफेस में जाके हम इस पर मास्क पर जाएंगे। मास्क पर देखिए इस तरह हमें इसको उल्टा सीधा करना है। और ये देखिए राइट साइड में ध्यान रखो आप, बिल्कुल राइट साइड में ध्यान रखोगे तो आपका बहुत ही अच्छा लोगो बन जाएगा। तो ये देखिए हमारा इसको, लेकिन ये उसको मैंने नीचे कर लिया पहले, सबको लेयर पर मर्ज करके। तो अब हमारा जो काम है असली, ये होता है जो मैंने लिया है, इसका मतलब आप समझ जाओ। जो मैंने ये लिया है ना, ये वाला, ये हमारा क्या है आपको पता है, जो चाय से, टी से ये निकलता है, स्मोक निकलता है, यानी कि बाहर निकलती है, देख रहे हो आप, ये वो ही है हमारा, जैसे धुआं निकलता है ऊपर ऊपर चाय से, इस तरह की हमने लेयरें बनाई है। तो इसको ब्लैक कलर दे दो, और इसकी एक कापी ले लेना एक, और इसको स्ट्रेट कर लो आराम से, पहले एक कापी करके फिर इसको छोटा कर देना। ये देखिए जिस तरह मैंने कर दिया, हो गया हमारा सबको लेयर पे जाके हमें इसको मर्ज कर देना है। मर्ज या हमारे सिंगल ही पे जो इसको इस तरह से एक ला के राइट साइड में, तो आप इसको स्ट्रेट कर लेना। ये हो गया हमारा। तो लेकिन राइट साइड में आप ध्यान रखो, राइट साइड में ध्यान रखो कि जब भी आपका लोगो अच्छा बन के तैयार होगा। ये हो गया हमारा ओके। ओके होने के बाद में आप चलते हैं अपने दूसरे काम के लिए। दूसरे काम के लिए हम इसको एक लाएंगे शेप, शेप में से इसको कर लेंगे हम क्या ओपेसिटी काम, देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ ये, और जिसका इसका स्ट्रोक देना है इतना मोटा पतला जितना आपको अच्छा लगेगा इतना ही दे देना आप। ये देखिए अब ये हमारा, इसको लग देता हूँ बिल्कुल ओके करके। जो हमारा ये ग्लास है इसको हम बिल्कुल ओके करना है हमें। ओके करने के बाद तो ये देखिए हमारा हो गया फिट ओके। ओके होने के बाद में इसको बिल्कुल सेट कर लो जहाँ पर अच्छा लगेगा आपको। तो आप टेक्स्ट की बारी आती है, टेक्स्ट पे हम लिखेंगे हॉट कॉपी, मगर हाँ हॉट कॉपी तो हम लिखेंगे, मगर इसका जो मैं ये दे रहा हूँ ना, क्या बोलते हैं इसका फॉन्ट, फॉन्ट इसको क्रिंकल फॉन्ट का नाम है,
वो आपको गूगल से आराम से मिल जाएगा। गूगल क्रोम में आप लिखिए क्रिंकल, ये देखिए आप पोज करके भी लिख लो, देख लो आप नाम क्या है, ये हो गया। इसका हम ब्लैक कलर देते हैं और इस पर स्ट्रोक कर देंगे थोड़ा सा वाइट कलर का, ये हो गया हमारा। ये तब होने के बाद में आप आगे ध्यान से देखिए आप अब क्या करना है। तो ये सब हमारा होने के बाद, ओके होने के बाद अब आगे देखिए आगे हमें क्या करना है। आप एक ही कलर से बना सकते हो तो और भी अच्छा बनेगा दिखेगा, लेकिन मैं थोड़ा कलर दो तीन इसमें कलर इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी कि यूज कर रहा हूँ। तो इसके देने के दे एक होने के बाद में तो ये हम सेट कर लेंगे, इस पर हम टेक्सचर दे देंगे। आप टेक्सचर कलर आप देखिए कौन सा दे, जो भी आपको पसंद होगा सब गूगल पे मिल जाएगा। पहले हम दे देते हैं ये वाला, तो ध्यान से देखिए ये हो गया हमारा उसका कप है। तो ये टेक्सचर दिया है चॉकलेट कलर, चॉकलेट कलर देने के बाद में हम इसको बिल्कुल सेट कर लेंगे। हो गया हमारा ये ओके। ओके होने के बाद में अब चलते हैं हमारे आगे काम के लिए, फिर से टेक्स्ट पे जाएंगे। टेक्स्ट पे हमें ये देखिए ये एक हमारा है ये फॉन्ट, वो आप पोज करके देख लेना ये है तो ऐसा ही है कुछ, ये का नाम फॉन्ट का नाम तो आप पोज करके देख लेना, मेरा अभी याद नहीं आ रहा। तो इस तरह हम इसको सेट कर लेंगे, इसको छोटा करके इसको इस तरह सेट कर लेंगे। तो इसी के हम कॉपी करेंगे एक और, ये देखिए जिस तरह मैंने इसको सेट किया दो कॉपी, इस तरह टड़ा सा टेमेरा करके इसको ऐसे रख लेना, ये कॉपी बी ए शीट है तो इसको ऐसे रख लेना। हो गया हमारा ये ओके। इसको फिलहाल तीनों के तीनों को एक कर देंगे, लेयर पे जाके इसको मर्ज कर देंगे, एक ही सिंगल इमेज हो गई। हो गई, सबसे पहले मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। ये देखिए ये मैंने इसको क्या थोड़ा सा लगाया, लेकिन अभी भी ये नहीं हो जाएगा क्योंकि इस पर हम टेक्सचर लगाएंगे वो नहीं होगा। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा आप ध्यान से देखिए। तो हमारा ये इरेज पे जाना है और इसको इरेज कर देना है। तो ध्यान से देखिए आप एकदम, ये देखिए टेक्सचर देने की मैंने कोशिश भी की थी लेकिन इसको टेक्सचर नहीं लगा था, क्यों आप खुद समझ जाओगे क्यों नहीं लगा था। तो आप ध्यान से देखिए, ये देखिए लाइव में फिर से ये टेक ये इसका, तो ये जो चॉकलेट कलर का था इसको ये वाला, ये देखिए ये मैंने इसको दे दिया सर्कल को। हो गया हमारा सर्कल का ये कंप्लीट काम। कंप्लीट होने के बाद में और फिर आती है शीट की बारी। ध्यान से देखिए अब मुझे क्या करना है, शीट को आराम से देखिए, देखिए कर लिया मैंने ये ओके, देखिए ध्यान से देखिए आप। तो अब शीट को हम देंगे फिर एक चॉकलेट फूल की, फिलहाल तो ये है तो इसको पहले हमें इरेज करना है। देखिए ध्यान से देखिए ये वाला मैंने इसको देना था ना, ये देखिए अब कितना हो गया पहले के, लेकिन वो मैंने लगाया था इसको ये स्ट्रोक वाइट कलर का वो था उसके ऊपर, उसको मैंने फिर इरेज किया। इरेज करने के बाद में अब देखो कितना खूबसूरत हमारे शीट लगते हैं। हो गया ये हमारा काम खूबसूरत। अब आते हैं हमारी इसकी बारी, इसको भी इरेज करना ही है हमें, जो वाइट कलर स्ट्रोक लगाया है इसको भी इरेज करना है क्योंकि इरेज से हमें इसको गड़बड़ ही हो गया। तो सबसे पहले चलते हैं हम के इरेज पे, पहले कर लो सेट, आप अच्छी तरह सेट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्रिंकल फॉन्ट का नाम है तो इसलिए ये हो रहा है इस तरह। तो ध्यान से देखिए आप आराम से करिए, मुझसे बेहतर करोगे आप, सेट कर लो जहाँ पे भी करना है। और फिर इसके ऊपर भी मुझे एक टेक्स्ट और लिखना है अपने ही चैनल का नाम शॉर्टकट में। तो ध्यान से देखिए आप, तो चलते हैं हम अपने फिर से टेक्स्ट पे जाएंगे आप। तो टेक्स्ट पे हम खाली लिखेंगे TFG, तो ये देखिए TFG मैंने लिखा है ट्रस्टफुल ज्ञान। तो इसी के बाद तो आगे जो हम इसको फॉन्ट भी देंगे वही जो मैंने आपको बोला था क्रिंकल, ये देखिए हो गया। अब इसको चलते हैं हम लाते हैं जल्दी पोजीशन में जाके, जल्दी जल्दी हम ले आते हैं इसको इधर से। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं हम साइज वाइज बड़ा करना है या ब्लैक करना है। तो ये देखिए हो गया, ये भी हमारा काम ओके। थोड़ा सा साइज बड़ा करके हम इसको ले आएंगे कहाँ पर, देखना आप कहाँ पर रखेंगे हम इसको। तो ध्यान से देखिए आप जितना भी आराम से करोगे, जितना भी सोच समझ के, लेकिन राइट टूल पे ध्यान रखो हमेशा कैसे बनाना है। अगर अपना ही लोगो बनाओगे मुझसे खूबसूरत बनाओगे। ये देखिए TFG मैंने यहाँ पे इस कप के ऊपर रख दिया है। इस पे रखने से क्या होता है क्योंकि यार ये हमारा लगता है कि नहीं हमने ही लोगो बनाया है, यानी किसी का वीडियो हमने इसको कॉपी किया है, कॉपी पेस्ट करके हम ये अपने यूजर को दिखा रहे हैं, नहीं। तो इसको देखिए हमारा ये हमने लेयर पर जाके इनको एकदम क्या कर दिया है इसको पहले, हाँ इस वाले का जो स्टॉक था वो मैंने इसको हटा दिया बिल्कुल, इरेज कर दिया। तो ये हो गया हमारा इस तरह का। इस तरह का होने के बाद में अब चलते हैं हमारे आगे काम के लिए। देखिए ये हमें रख दिया हमने इसको इसे, तो इसको भी हम इसको कर देंगे अपना फिट एकदम ओके। ओके होने के बाद में अब इसको भी हम अपनी इसको और इसको लेयर पे जाके इसको मर्ज करना है। देखिए तो हो गया हमारा ये काम। इसको भी दे देते कोई अच्छा ग्रीन कलर मैंने सोचा है इसके लिए। तो ये देखिए चमकता दमकता मैंने ग्रीन कलर इसको दिया है, बन गया हमारा यू भी ओके बन गया है। अब ध्यान से देखिए अब आ गया मुझे क्या करना है।
अब सभी के सभी को हमें क्या कर देना है, लेयर पे जाकर मर्ज कर देना है लेफ्ट साइड में। अब राइट साइड में जाके हम क्या करते हैं, हमने इसको 3D सा पे ये 3D देंगे शेडो, जो भी आपको करना है वो आप दे सकते हो। तो लास्ट में एम्बोस में जाके हम बिल्कुल ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद में बिल्कुल देखिए, आप देखिए बिल्कुल हमें इसको सेट करने के एकदम बिल्कुल एम्बोस में जाके हम इसको ये देखिए हमारा बन गया, खूबसूरत बना ही है हमारा ये देखिए। जितना आपको अच्छा लगे उतना आप कर लो। तो यार वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यहाँ तो तुझे पता ही है, और बैकग्राउंड जो भी लगाना है लगा लेना, ये PNG में बना है। तो देखने के लिए वीडियो धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, और आगे भी हम आते रहेंगे अपने वीडियो के लिए। देखिए किस तरह मैं आपको जा रहा हूँ इमेज में जाके, इस तरह ही आपको सेव करनी है अपनी इमेज सॉफ्टवेयर में। तो आगे मेरा वीडियो शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।